हरे कृष्णा। देखते हैं मेष राशि के लिए अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस। पहला कार्ड है प्लानिंग। या तो आप प्लानिंग कर रहे हैं या कोई आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, कोई कोई गिफ्ट आपको देना चाहता है या फिर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं। सो ये एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है और आप ये प्लानिंग करने वाले हैं। लुकिंग टू माई आइज, कोई तो है जो राह देख रहा है कि आप उनसे कब मिलोगे, आप उनसे कब बात करोगे, या फिर आपका फ़ोन उन्हें कब आएगा, आपका मैसेज उन्हें कब आएगा। और शायद ये आपके साथ भी हो रहा है कि आप शायद ये सोच रहे हो कि कोई आपको कॉल कब कर सकते हैं। आइज दैट स्टेयर, कोई तो है जो आपसे मिलना चाहता है, जो सिर्फ आपसे बातें करना चाहता है, और ये कौन है शायद ये आपको पता नहीं है, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा। आर यू मेकिंग अ मिस्टेक, तो शायद थोड़ी गलतफहमी हो सकती है या फिर कोई गलती हो सकती है। आपको लग सकता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक गलतफहमी हो सकती है। लव इज़ दैट होल्डिंग यू, आपके जीवन में पूरी तरह से प्यार बसा है और इसके कारण आप अपने प्रियजनों के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने लवर के बारे में सोच रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपके साथ होने वाली है। रिंग डोरबेल, या तो आपको लग रहा है कि आप उनसे मिले, आप उनको मैसेज करें, या फिर उनको लग रहा है कि वो आपसे मिले, वो आपके डोर की बेल दबा दे। लव यू, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में कुछ कहना चाहिए क्योंकि आपको ये पता चल ही जाएगा। लव यू इज़ द कार्ड जहाँ पे बहुत ही अच्छा प्यार का वर्षा आपके ऊपर होने वाली है। आई विल बी ऑन योर साइड, चाहे कुछ भी हो आप उनकी साइड कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप हमेशा उनके साइड में खड़े रहेंगे, और आपको ये बिलीव है कि आपका ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। फाइनेंशियल वर्ल्ड, अगर आपकी उनसे मुलाकात नहीं हो रही है तो ये एक कारण हो सकता है कि फाइनेंशियल रीज़न के वजह से वो आपसे मिल नहीं रहे हैं या फिर आपको फ़ोन कॉल नहीं कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो उसके पीछे एक कारण हो सकता है। से समथिंग, तो ये एक कार्ड है यहाँ पे जहाँ पे आपको कुछ कहना है, आपको लग रहा है कि आप उनसे कुछ बात करें, उनसे कुछ कहें, अपने दिल की जो बात है वो उनसे करें। रीचिंग डेस्टिनेशन, आपको लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी जा रही है, बहुत ही सही जा रही है, और आपको लग रहा है कि इस तरह से ही आगे बढ़ती रहे बिना किसी दिक्कत के। लकी चार्म, या तो आप या तो आपका लवर जो है वो लक पे बहुत ही अच्छा भरोसा कर रहे हैं और आपको एक लकी चार्म मिल चुका है, जैसे कि कोई एक अच्छा गिफ्ट है वगैरह जिसको आप संभाल के रख रहे हैं। इट्स ड्रीमिंग, आप सपना देख रहे हैं उस चीज़ उस व्यक्ति का, और आपको लग रहा है कि ये सपने सच हो जाए, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। आर यू फ्लिपिंग साइड, तो यहाँ पे शायद कोई आपसे बात करना चाहता है और कोई आपसे मैसेजेस एक्सचेंज करना चाहता है, लेकिन क्या आप उसके लिए तैयार हैं? शायद आप उसके लिए तैयार हो सकते हैं या फिर नहीं भी, ये डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ड्रीम डेस्टिनेशन, आप बहुत ही अच्छे ड्रीम्स देख रहे हैं और आपके ड्रीम्स सच भी हो सकते हैं। कैंडल लाइट, शायद आप उस इंसान से मिलना चाहते हैं, किसी रेस्टोरेंट में हो या फिर कहीं बाहर हो, आप उनसे मिलकर बात करना चाहते हैं। ट्रस्ट दैट मैटर्स, तो ये जो एक ये भी एक इशू हो सकता है, ट्रस्ट आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। शायद एक दो चीज़ें ऐसे हो सकती हैं जिसके कारण आपको लगे कि क्या ये सच में सही हो रहा है या फिर इसमें कुछ गलत है। फ्लावर, बहुत ही अच्छा ये कार्ड है, आप फ्लावर्स एक्सचेंज करना चाहते हैं और आप ये देख रहे हैं कि एक दूसरे को गिफ्ट्स कैसे एक्सचेंज करें। गॉन अवे, यहाँ पे एक कार्ड ये बता सकता है, ये बता रहा है कि शायद किसी कारण के वर्ष आप या आपका लवर जो है वो थोड़े से दूर जा सकते हैं, शायद कोई फैमिली कोई रीज़न हो सकता है जिसके कारण वो आपसे दूर जा रहे हैं। लव किस, तो या तो आप या तो आपके लवर आपके लव्स के बारे में सोच रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्लियरिंग ऑरा, ये एक चीज़ है जहाँ पे शायद कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आपने अपने दिल पे ले ली हैं, तो वो आपको झट से क्लियर करना चाहिए क्योंकि ये बस आपकी सोच है और ये सोच आपको या आपके लवर को परेशान नहीं करनी चाहिए। रनिंग टाइम,
टाइम जो है वो तेज़ी से जा रहा है, और इसके कारण आप इस टाइम को होल्ड ऑन करना चाहते हैं। जो भी मूवमेंट्स आपके पास मिल रहे हैं, जितना भी टाइम आप अपने लवर के साथ बिता रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही प्रेशियस है। इट्स म्यूज़िक, साथ मिलके आप गाना सुनना चाहते हैं, आप कुछ बातें करना चाहते हैं। आई नीड टू मेक अ मूव, कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियरली स्टेट करनी हैं, और इसके लिए आप अपने लवर से मिलना चाहते हैं और उन्हें डायरेक्टली कहना चाहते हैं कि जो भी आपके दिल में है, शायद आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कहीं और मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई नई उपलब्धि है जो आपको मिली है तो आप उनके बारे में सोच रहे हैं। रनिंग अवे, यहाँ पे आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ से जिसके कारण आपको वो चीज़ करने के लिए, वो काम करने के लिए यहाँ वहाँ भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आई एम देयर, या तो आपका लवर या फिर आप ये कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आई विल बी बाय योर साइड। इमोशनल कोलैप्स, ये हो सकता है, शायद कुछ चीज़ें हो सकती है जिसके कारण आपको लगे कि हाँ मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, या फिर आपका जो लवर है उनके साथ ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे उन्हें आपकी बहुत ही ज़रूरत है। ब्रेकअप टाइम, तो शायद कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि ब्रेकअप हो जाए, या फिर ये ब्रेकअप के लिए एक मौका है और ऐसा हो जाए, लेकिन अगर आप सही ध्यान दें तो ये चीज़ें बिल्कुल भी टाली जा सकती हैं। वाई नॉट सिंगिंग, तो जो मैसेजेस हैं आपके लव्ड वन का वो आप तक ठीक तरह से नहीं पहुंच रहा है, या तो कोई जो पर्सन है जो आपको मैसेज दे रहा है वो कोई गलती कर रहा है, या फिर आप एक गलत क्वेश्चन उठा रहे हैं। आई वॉन्ट माई रिलेशनशिप बैक, तो यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि किसी भी कीमत पे जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए जो भी करना पड़े आप करने के लिए तैयार हैं। हर्ट विद इन, तो शायद आप या आपके लवर ये सोच सकते हैं कि थोड़ा सा हर्ट रिलेशनशिप में हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई और लोग भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। लेट गो और लेट्स गो, यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आप अपने लवर के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से रखते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, तो कोई बर्थडे आ रहा है और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस बर्थडे को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें, या तो आपका बर्थडे आ रहा है या फिर आपके दोस्तों का बर्थडे आ रहा है, सो पे अटेंशन टू इट। मूडी, ये भी एक बहुत ही अच्छा कार्ड है, या तो आप या आपके लवर बहुत ही मूडी बन चुके हैं, बहुत ही मूडीनेस यहाँ पे आ रहा है, तो आप उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर यूजिंग लॉट्स ऑफ टैक्टिक्स फॉर इट। आई मिस यू, तो आप अपने लवर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और शायद ऐसा हो रहा हो सकता है किसी वेंसडे या थर्सडे को, और आप उन्हें मैसेजेस करना चाह रहे हैं। आई नेवर फॉरगेट यू, तो आप ये मैसेजेस अपने लवर के साथ करना चाहते हैं, आप यू वॉन्ट टू एक्सचेंज द मैसेजेस विथ योर लवर। फर्स्ट लुक, तो आप शायद वो चीज़ रिमेंबर कर रहे हैं कि जिस तरह से आप अपने लवर को फर्स्ट टाइम मिले, या अपने प्रियजनों को फर्स्ट टाइम मिले, वो आप वापस से देखना चाहते हैं, वापस से आप वो अनुभूति करना चाह रहे हैं। इमोशनल कमबैक, शायद कोई अगर झगड़ा हो भी जाए तो जल्दी से ये झगड़ा जो है वो आप मिटा देंगे और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे। क्लियर योर सर्कल, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जो आप अपने मन में लिए हुए हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन जल्दी ही ये चीज़ें भी आपके दिल से निकल जाएंगी। इट्स पार्टी, तो ये और एक अच्छी बात है कि आप किसी पार्टी में एंजॉय करना चाहते हैं, या फिर आप एक खुशनुमा माहौल यहाँ पे तैयार करना चाह रहे हैं। यू नीड टू से सॉरी, तो अगर कोई गलती आपसे हो रही है या फिर आपके लवर से हो रही है, तो या तो आप या आपके लवर आपसे सॉरी करना चाहेंगे, और ये एक अच्छी बात हो सकती है अपने लवर को या फिर आपको माफ़ करने की। नीड सम मैजिक, तो आपको लग सकता है कि यहाँ पे कुछ अच्छी बात हो जाए, कुछ मैजिक सा हो जाए, और कुछ मिराकल हो जाए आपके रिलेशनशिप में, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाए आपके लाइफ में। गेटिंग इल्यूजन्स, तो शायद आप कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके लाइफ में, आपके मुताबिक ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं, तो ऐसा आपको लग सकता है। स्पीचलेस, आप या आपके प्रियजन जो हैं वो बहुत ही अच्छा रैपो मेंटेन कर रहे हैं, जिसके कारण आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है। इट्स माई नेचर, तो आपने अपने लवर को वो जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट किया है, और उनके साइड से भी ये सेम हो रहा है। एनलार्जिंग वर्ल्ड, आप अच्छे दोस्त बनाना चाहेंगे, और आपको लग सकता है कि आप एक पार्टी थ्रो करें आप अपने दोस्तों के लिए।
फ्यूचर इंसाइट, थोड़ा फ्यूचर के लिए आप प्लान कर रहे हैं, थोड़े फ्यूचर की तरफ आप देख रहे हैं, रुक कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मेरा फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से सेट होना चाहिए। गिव मी अ किस, तो ये आप अपने दिल में सोच रहे हैं, आपको लग सकता है कि कुछ टाइम जो है वो आप अपने लवर के साथ स्पेंड करें। और फाइनल कार्ड है यू आर मूविंग अवे, तो किसी चीज़ के कारण, जैसे कि आपकी कोई असाइनमेंट है या कोई ऑफिस है, आपका ऑफिस वगैरह के कारण आपको समय नहीं मिल रहा है आपके लवर के साथ स्पेंड करने के लिए। होप ये आपके साथ रेजोनेट हो। थैंक यू, टेक केयर।